देर के बाद मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली आज मुझे ऋषान भाई ने इनवाइट किया था, इनवाइट किस जगह की है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आज मुझे एक तकरीब पे बुलाया गया है जहाँ कह लें कि तुर्की का इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। सो फिलहाल अंदर के जो नज़ारे हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ और किस तरह ये अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। स्पेशली ये सिर्फ तुर्की से मोहब्बत का इजहार हो रहा है। अभी फिलहाल इधर तकरीब चलेगी, तकरीब की कुछ झलकें मैं आपको दिखाऊंगा कि तकरीब में क्या होता है। एक्चुअली इधर मेरे से केक सेरेमनी भी होगी। तो अभी मुझे ऋषान भाई ने स्पेशल इन्वाइट किया था। मैंने कहा चलो यार काफ़ी देर हो गई है, मुझे भी ब्लॉग बनाए हुए हैं, यूट्यूब छोड़ ही दिया मैंने, मगर आज मैंने सोचा चलो आज मैं भी ब्लॉग इसी बहाने से डालूंगा। तो लेट्स सी आगे की चीज़ें मैं आपको बात करूँगा। जुल्फों में उंगली फेरते हैं हम निकलता है, इधर खिंच खिंच के रग रग से हमारा दम निकलता है, और इलाकी खैर हो उलझन पे उलझन पड़ती जाती है, ना उनका गम निकलता है ना हमारा दम निकलता है। तेरी गुर्बते नाराज आए, अच्छा मेरी वफा का दामन तो दागदार नहीं। क्या बात, मेरी वफा का दामन तो दागदार। परवीन शाकर की बात हो रही थी, उसका एक शेर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी आदत थी मेरे बाल भी गारे रखना, वो चाहता था मैं किसी और को अच्छा ना बनूं। कॉलेज लाइफ में इतना तंग किया लेकिन आज 6-7 साल बाद भी मिले ना, तो इन्होंने कहा तुम हंसो ना, और 26 में पढ़ते थे, मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरी। तो सर थैंक यू वेरी मच कॉलेज के। और ये हमारे वाइस थे, आज देखे मैं उनके साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत साधनमंदी की बात है। तो कभी सर भी हमें डांटा करते थे और आज सर भी कह रहे थे यार हसन, सर कुछ कहना चाहे बस प्रोफी करो सर। इस तरीके से मैंने आपको जो ना गाइड किया ना, अल्लाह ने आपकी बड़ी इज्जत बख्शी है और काफ़ी लोगों में आप फेमस भी हो, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको इस मुकाम पर देखते हुए, इसी तरह जो है वो आपको जो है हमेशा तरक्की करते रहे, हमारी बहुत शुक्रिया। और इन सर के लिए एक बार बात करना चाहूँगा कि सर के चेहरे पर आज से 7 साल पहले भी मैंने देखा था ना, गुस्से में भी मुस्कुराहट होती थी, और आज भी देख लें वही मुस्कुराहट, वैसा ही मतलब इनका वो जो है इखलाक है। तो सर बड़ा खुशी होती है आप हमेशा मुस्कुराते हैं। थैंक यू सर। बैच के बहुत अच्छा बच्चा है, फर्स्ट मेरा बैच था सीनियर कॉलेज, सिक्स में आई थी, सख्ती की मैंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे काम भी नहीं साल जब मुझे पेश आई थी, बहुत अच्छा लगा।